बात करने जा रहे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की द्वारा आयोजित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति की गई है, इसका विरोध कर रहे हैं अभ्यर्थी। खबर आज की है कि हाई स्कूल शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य गुरुवार को उपायुक्त से मिलने पहुंचे। समिति के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में स्थानीय अभ्यर्थियों की अनदेखी करते हुए बाहरी लोगों को लेने पर विरोध जताया है। आपको बता दें कि उपायुक्त को सौंपे गए मांग पत्र में अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने नियुक्ति में स्थानीय लोगों को ही लेने की घोषणा की, मगर जेएसएससी ने मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करते हुए 80-90% बाहरी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, और जिससे स्थानीय एवं जिले के सफल अभ्यर्थी इस लाभ से वंचित हो गए हैं। स्थानीय युवाओं में इससे रोष है। अभ्यर्थियों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा यह भी कहा गया कि यदि 2 दिनों के अंदर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो हम लोग समरणालय के समक्ष धरना देने को विवश हो जाए। साथ ही आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने वालों में विधानसु पाठक, उपेंद्र कुमार रजक, अभिनीत कुमार यादव, आशुतोष कुमार मिश्रा, दयाशंकर यादव, संतोष यादव इत्यादि मौजूद थे। तो फाइनली आप सब देख सकते हैं कि जेएसएससी की तरफ से जो टीजीटी की रिजल्ट जारी की गई है संथाल प्रमंडल की और साथ में जो है पलामू प्रमंडल की, बाकी प्रमंडलों की रिजल्ट की बात करें तो आपको बता दें कि कोई भी निर्धारित तिथि नहीं है कि बाकी जिलों का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। हालांकि उम्मीद करते हैं कि बाकी जिलों का भी रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी जो है बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए बुलाया गया है, इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार 2 दिनों के अंदर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग समरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाएंगे। फाइनली बाहरी अभ्यर्थियों को जो टीजीटी के रिजल्ट में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी बाहरी है जिसको लिया जा रहा है, इसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों इस अपडेट में बस इतना ही।